अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में थोड़ा बहुत सीखेंगे। एक्सेल जो कि आजकल बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको यूज़ करने का, इसके बेसिक टूल्स का हमें पता होना चाहिए। जो आज हम टूल डिस्कस करेंगे वो बेसिकली कॉन्कैटिनेट है, जिस से हम दो कॉलम्स को एक कॉलम में कंबाइन कर सकते हैं। सो लेट्स सी हाउ कैन वी डू दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी हैव एन एक्सेल, ओपन एक्सेल। सो लेट्स क्रिएट अ डेटा फॉर दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्रिएट अ कॉलम ए देन बी। हम कॉलम ए कॉलम बी को क्रिएट किया। कॉलम ए पे हमने कोई भी वैल्यू एंटर कर दी, लाइक यहाँ पे मैं नंबर इंटर करने जा रहा हूँ, और एक वैल्यू स्ट्रिंग की होगी, दो नंबर्स की होंगी। हम कुछ भी कर सकते हैं कंबाइन करने के लिए। ये कुछ नहीं है कि आपके पास कौन सा डेटा हो, इवन यू हैव डेट्स तब भी आप कंबाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास नंबर्स हैं तब भी आप कंबाइन कर सकते हैं। एंड इवन यू हैव स्ट्रिंग टेक्स्ट देन ये देन यू कैन ऑल्सो डू इट, नो इशू। 1 to 15, फिर सीरियस। और बी वी कैन राइट फ्रॉम 100, ओके। एंड देन कॉलम सी, पर कॉलम सी वी कैन राइट एनी स्ट्रिंग लाइक एनी टेक्स्ट। सो व्हाट टेक्स्ट वी कैन, ए ए बी बी सी सी डी डी ई एफ एफ ओके। अब हमने इनको कंबाइन करना है। कंबाइन करने के लिए मैंने पहले भी आपको बताया कि हम यूज करते हैं कॉन्कैटिनेट, कॉन्कैटिनेट। सो कैटिनेट से पहले एक और चीज हम आपको बता देते हैं। लाइक हमारे पास कॉलम ए है, तो हम चाहते हैं यहाँ पर भी कॉलम ए की वैल्यूज आ जाएं। हम इसके लिए वन बाय वन वैल्यू एंटर नहीं करेंगे, सिंपल वी राइट हियर एंड दैट्स इट्स ओके। और ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। अब दे सकते हैं कॉलम डी, ऑल थ्री कॉलम दे बी सी या कंबाइंड कंबाइंड हो चुके हैं, और एक छोटे से फार्मूले से हम ये ज्वाइन कर सकते हैं।